हेलो गाइस, मेरा नाम सुमित है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मिस्टर रेडिएशन में। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी अलग चीजें बताने वाला, जो कि गाइस आप अपने घरों पे वो चीज करके आप अपना अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं और दूसरा करके आप थोड़ा सा कमा भी सकते हैं। बट गाइस आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला कि कैसे आप घर पे अपने बुक बाइंडिंग कर सकते बहुत ईजी वे में, और आप जो एक ही बुक के ऊपर 20-20, 30-30 रुपए बुक बाइंडिंग के देते हैं गाइस, वो सब वेस्ट हो जाता है। खाली कोई मतलब नहीं, वो आप लोग ने देखा कि नॉर्मल सा वो खाली काम करता है, उसके 30-30 रुपए लेते हैं एक बुक का। बट गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नॉर्मल जो बुक आप घर पे बाइंडिंग कर सकते अच्छी एकदम ईजी वे में, और वैसा ही बुक बाइंडिंग में जैसे दुकान वाला करता है गाइस, उसमें खाली क्या करता है कि इस पर कोई प्लास्टिक चढ़ा देता है। बट गाइस इस पर क्या काम है गाइस, काम तो ये होता है यहाँ से बुक मेन फट दिए जाते हैं, तो गाइस इसका तो कोई काम नहीं है, कुत्ते पर लगा के कोई मतलब नहीं होता प्लास्टिक का। तो गाइस आज की वीडियो में आपको ये चीज तरीका बताना होता, कोई भी ट्रिक बोल सकते या कोई भी जुगाड़ बोल सकते गाइस, बाकी बहुत काम की चीज होगी आपके लिए। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप बुक को बाइंडिंग कर सकते घर पे काफी इजी वे में। अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जैसे दबा दिए। तो चलिए आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कैसे आपको बुक बाइंडिंग करना है, कैसे पहले कौन सा स्टेप करना है, तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे आपको बुक बाइंडिंग करना है। फ्रेंड्स पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको 3 छेद करने। तो गाइस मैं छेद को करने के लिए ना इस नेट का यूज कर रहा हूँ, आपके पास भी ऐसे कोई खील वगैरह घर पे तो होगी उसका आपको यूज करना है। और यहाँ 3 छेद करने गाइस अच्छे से करना है कि बुक को फट ज्यादा एकदम बेकार तरीके से नहीं मानना है कि फट जाए। तो आपको मैं यहाँ 3 छेद करके दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कैसे बुक बाइंडिंग करना। और गाइस हम लोग ये धागा यूज करने वाले, नॉर्मल जो आता है धागा और बड़ी वाली जो सुई होती है गाइस उसका यूज करने वाले, और हम लोग बाद में धागे के ऊपर मार देंगे टेप जिससे कि धागे वगैरह दिखे ना, और दिखे तो मतलब कोई उसको तोड़ फोड़ नहीं करता है तो अच्छे लगे ये देखने में। चले मैं यहाँ 3 होल करता हूँ, आपको ये 3 होल कर लेने हैं बुक के हिसाब से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने 3 छेद यहाँ पे कर दिए हैं, आपको कैमरे में अगर दिख रहा होगा तो मैंने 3 छेद कर लिए और यहाँ पे धागे भी मैंने लिए। तो गाइस अभी नॉर्मली आपको करना है कुछ इस तरीके से, तो देख सकते हैं ऐसे आपको बुक बाइंडिंग करनी है। बात से दिखा देना भाई, ऐसे नॉर्मली जो भी होता है अपने दुकान वाले सेम ऐसे ही करते हैं, बट आप उसके 20-20, 30-30 रुपए एक एक बुक के देते गाइस, पता नहीं क्यों देते। मैं तो आज तक नहीं दिया बुक बाइंडिंग कभी पैसे, और बल्कि दूसरे का भी मैंने दोस्तों का भी किया क्लास के। गाइस देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हो गई, और कुछ धागे ऐसे लगा देने का। देख सकते हैं गाइस इस तरीके से लगा के, ये धागे में जाता पीछे साइड लूंगा क्योंकि पीछे बुक की जल्दी कोई पलटाता नहीं है, जो भी होता है फ्रंट साइड में लोगों को दिखता है, तो मैं धागे ज्यादा पीछे साइड लूंगा लंबे वाले। ऐसे हो गए, यहाँ से आपको ऐसे कुछ करके ऐसे ले लेना वापस से। देख लीजिए गाइस कंप्लीट हो गया, इतने में बुक बाइंडिंग हो गई, खाली फुकट के आप 20-20, 30-30 रुपए देते खाली इतने से बुक बाइंडिंग के हो गए। यहाँ पे मैं गांठ मार देता हूँ, गाइस देख सकते हैं कंप्लीट हो गया बुक बाइंडिंग हमारा। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग आगे धागे भी नहीं दिख रहे ज्यादा और बुक बाइंडिंग पीछे से कंप्लीट भी हो। तो गाइस अब क्या करना है, अपने वो टेप मारना है कि कोई धागे वगैरह ऐसे खींचे ना, तो ये टेप रही अपने पास, और आपके पास भी कोई दूसरे कलर की हो तो वो ले लीजिएगा, और मैं टेप मार देता हूँ इसमें। देख सकते हैं गाइस बुक बाइंडिंग कंप्लीट हो गई, और ये टेप जो बचे वो अपने काट देते हैं साइड से। देख सकते हैं गाइस जैसे दुकान वाला करके देता है बुक बाइंडिंग, वैसे मैंने भी आपको करके दे दिया, और
आपको दिखा देता हूँ, अंदर भी देख सकते हैं धागे वगैरह दिख नहीं रहे, और साइड से एकदम थोड़ा सा दिख रहा, कोई ज़्यादा धागा भी नहीं दिख रहा, और अब जैसे बुक दुकान वाला करता है वैसे एकदम हो गई, और वैसे जल्दी फटेगी भी नहीं। आप दुकान वाले जैसा करके देता है कि जो जल्दी फटती नहीं, वो भी ये भी चीज़ जल्दी नहीं फटे। गाइस आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने आपको बुक बाइंडिंग करके दिखाया, बहुत इजी वे में आप लोग घर पे कर सकते हैं। मैं अच्छे तरीके से दिखाएगा, आप लोग करें, और गाइस जो पैसे आप लोग फालतू के देते हैं ना बुक बाइंडिंग को मत दीजिए, इधर ऐसा दिमाग लगाइए तो आपका 30-40 रुपये में अच्छी खासी बुक बाइंडिंग कर देंगे, इतना पैसे लगाने से अच्छा है। तो गाइस यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता, जो कि मैं दिखा दिया आपको, बता दिया गाइस, आप लोग फालतू के पैसे वेस्ट ना करें ये सब चीज़ों पे। तो गाइस आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो मैं कुछ रिप्लाई दे पाऊँ तो दे दूंगा आपको। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।